जी सर, ये जो कर्जा मुक्त अभियान है इसमें कब से जुड़े हुए हैं आप? और हम वैसे तो माय नेम इज नवीन चंदेलिया, आई लिव एट तिलुकपुरी असेंबली जी, फ्रॉम तिलुक इस दिल्ली। आप कर्जे को लेकर ही जुड़े हुए हैं? यस, आप भी कर्जे ही था इस पे? आई एम ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आई एम डूइंग द प्रॉपर वर्क इन दिस मूवमेंट जी, सो आई एम ट्राई टू स्प्रेड दिस मूवमेंट इंटायर द असेंबली, सो आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम प्रॉपरली डूइंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल। तो जैसा कि आपको पता है पूरे देश में हम निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं जी सर, और हमारा मानना यह है कि जिस प्रकार भारत सरकार बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ करती है, ऐसी ही उसी प्रकार से आम जनता का कर्जा माफी के लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जो गलत नीतियां थी, चाहे अगर हम भूतकाल की अगर हम स्थिति की अगर हम बात करें, पहले जो पास्ट में जो स्थिति थी, चाहे अगर हम जीएसटी की बात करें, नोटबंदी की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, इन सभी स्थितियों के कारण ही आज देश की जनता कर्जे के कारण फंस के आत्महत्या करने को मजबूर है, और सरकार अगर हमारे देश की जनता की नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी, क्योंकि सरकार जो बनती है वो आम जनता के मताधिकार के वोट के माध्यम से ही बनती है, और आम जनता ही सरकार बनाती है, क्योंकि लोकतंत्र में आम जनता के वोट के माध्यम से ही, क्योंकि आम जनता को अधिकार है अपने वोट का इस्तेमाल करके जनता। कर्जा मुक्त अभियान से कितने लोग जुड़े हुए हैं सर? अभी हमारे साथ जो है 12 लाख के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, और ये 12 लाख लोग नहीं है, 12 लाख परिवार है, यानी 12 इक्वल टू 12 करोड़ भी ये संख्या पहुंच चुकी है, और लगातार करोड़ में संख्या जा रही है। तो आप इसको जो इस अभियान को और जो कर्जे से डूबे हुए लोग हैं और कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया, तो इन लोगों को किस तरह से राहत दिलाने का काम करते हैं? देखो, हम प्रयास यही कर रहे हैं कि पहले तो हम लोगों की जानकारी ले लेते हैं। ओनली एक नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एक ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन में क्या होता है कि उनके उनके ऊपर कितना कर्जा है, क्या काम करते हैं, और किस कारण वो कर्जे की दलदल में फंसे हैं, वो सारी जानकारी जो भी होती है वो एक ऑनलाइन आवेदन होता है। मतलब आप हमारी वेबसाइट है, हमने एक वेबसाइट तैयार कर रखी है www.karjmuktbharat.co.in, अगर आप उस वेबसाइट पे जाओगे तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और ये अभियान पूरी तरीके से निशुल्क है, किसी से एक रुपया भी नहीं लिया जा रहा है इस अभियान के नाम का। और मैं सभी लोगों से भी अपील करता हूं कि जो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो इस अभियान में जुड़कर पैसा लोगों से ऐंठने का काम करते हैं, लेकिन वो लोग जो है ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, सब उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह अभियान पूरी तरीके से निःशुल्क है। यह अभियान जो है जुलाई 2022 से चलाया जा रहा तो है। तो ये बैंकों के कर्जे को लेकर ही, या फिर लोग जो एक दूसरे से कर्जा ले लेते हैं उसको भी, और जो कोर्ट में मैटर आ जाते हैं उन लोगों को भी इस चीज से राहत मिल रही है? सरकार की गलत नीतियां, जैसे जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन के कारण जिन लोगों का व्यापार, काम धंधा वगैरह सब कुछ जो आय कम हो गई है, व्यापार ठप पड़ गया है, नौकरी वगैरह खत्म हो गई है, जिन लोगों का भूतकाल के समय में जो व्यापार था वो 100% था, आज के समय में जो 5% भी व्यापार नहीं रहा है, और जिन लोगों की जो नौकरियां थी, जो वो प्राइवेट कंपनीज में जो लोग काम कर रहे थे जी सर, वो लोगों की नौकरियां छूट गई हैं जीएसटी के कारण, वो कंपनियां बंद हो गई हैं, वो कंपनियां फॉरेन कंपनियां थी, लेकिन जब उनको मुनाफा नहीं हुआ, उनको बेनिफिट नहीं हुआ तो इन नीतियों के कारण, तो उनको भारत के अंदर जब घाटा हुआ तो वो लोग कंपनियां छोड़कर, मतलब जो उन्होंने कंपनियां बंद करके वो दूसरे अपने जो देश समा चले गए, लेकिन उन लोगों का क्या हुआ जो लोग बेरोजगार हो गए, उन लोगों ने पर्सनल लोन ले रखा था, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन ले रखा था, ऐसे लोग जो है कर्जे फंस के आत्महत्या करने को मजबूर है, क्योंकि जब संसाधन ही नहीं बचेंगे, सरकार जब संसाधन, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज लोगों को गिरवी रख रखी है, तो उनको किस तरह से राहत दी जाए? हमारा प्रयास यह है कि पहले सरकार को हम जानकारी दे रहे हैं कि ये लोग परेशान है, हम डेटा दे रहे हैं सरकार को कि ये लोग वो है जो आपकी गलत नीति के कारण परेशान है। कर्जदारों का डेटा देते हैं सरकार को, कर्जा कौन कौन सा माफ हो रहा है, चाहे आपने साहूकार से लिया हो, रिश्तेदार से लिया हो, होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हो, कैसा भी कर्जा हो, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हो, कैसा भी कर्जा हो, हर तरह का कर्जा माफी के लिए हम पूरे देश में प्रयास कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सरकार, अगर इस बात को सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि सरकार को पता है, क्योंकि ये एक तरीके से जनता जो आज मर रही है, जो आज सुसाइड करने को जो मजबूर है, ये सिस्टमेटिकली लोगों की हत्या की जा रही है, और इसमें सरकार की गलत नीतियां ही जिम्मेदार है। हम तो सरकार से ही सवाल करेंगे, क्योंकि सरकार इस वक्त सरकार ही जिम्मेदार है इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि मैं जितने भी व्यापारियों से मिला हूं, वो लोग कह रहे हैं, मतलब ऑफ कैमरा रिकॉर्ड वो कह रहे हैं कि जब से जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन लगा है, उसके कारण ही हमारी आर्थिक स्थिति खराब होनी शुरू हुई है, क्योंकि 28% अगर जीएसटी ले लिया जाएगा तो 100 रुपये अगर वो व्यापारी कमा रहा है तो उसके पास बचेगा क्या? सारा पैसा तो वो, क्योंकि उसको अपने परिवार भी देखना है, सब चीजें देखनी होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, व्यापार भी देखना होता है, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो सरकार को आगे आना चाहिए, इस समस्या का समाधान करना चाहिए, और जो आज लोग सुसाइड जो कर रहे हैं, सरकार की गलत नीति के कारण ही सुसाइड कर रहे हैं, और कर्ज के कारण पहले किसान आत्महत्या करते थे, लेकिन आज के समय में आम जनता भी आत्महत्या करती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी का डेटा है कि पिछले 5 सालों में 50,000 से अधिक लोगों ने कर्ज की तरह आत्महत्या करी है, और सरकार के पास ये डेटा है, सरकार को भी ये बात पता है, लेकिन सरकार काम नहीं करना चाहती, सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का काम कर्जा माफ करना चाहती है, चाहे सरकार जैसे गौतम अडानी का 12,770 रुपये कर्जा माफ कर जाता है, लेकिन आम जनता के लिए कौन सुने? आम जनता मर रही है, मरने दो, सरकार इस बात को मुझे लगता है समस्या समझनी नहीं है, या तो हम उसके ऊपर, या तो हम फिर सरकार को हम जो है करेंगे कन्विंस, सरकार को पता, मतलब आप कह रहे हो कि पूंजीपतियों का ही सिर्फ कर्जा माफ हो रहा है, बाकी गरीबों का 12 रुपए भी माफ नहीं हो रहा। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो सनी देओल है,
जिन्होंने हाल ही में फिल्म भी आई थी, जो हमारे अभिनेता भी हैं पूरे देश में, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी, हम किसी पार्टी को टारगेट नहीं करते। हमारी किसी नेता किसी पार्टी या किसी पर्टिकुलर पार्टी से हमारा या किसी नेता से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है। हमारी एक मांग है सिर्फ हमारे माननीय श्री जो वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ मांग है कि आप जिस प्रकार से आपकी सरकार जिस प्रकार से पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, क्या उसी प्रकार से आम जनता की समस्या का समाधान नहीं कर सकती सरकार? क्योंकि वो सरकार को जो चुना है वो आम जनता के वोट ने चुना है उनको। आपको सत्ता में इसलिए भेजा गया था ताकि आप आम जनता की समस्या को सुने, उसका समाधान करें। यही तो बात है ना, लोकतंत्र में प्रजा का ही तो शासन होता है। जनता लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा किया गया शासन, क्योंकि जनता से ही सरकार चलती है, जनता ही सरकार को चुनती है। रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाते हैं, चाहे वो विधानसभा स्तर पे हो चाहे वो केंद्र के स्तर पे हो, उनको जनता की समस्या सुननी पड़ेगी, समाधान करना पड़ेगा। अभी हाल ही में जो सनी देओल जी हैं वो 56 करोड़ के डिफॉल्टर थे, बैंक ऑफ बड़ौदा नोटिस निकालता है कि उनके जो मकान की जो नीलामी है वो की जा रही है। जब बैंक ऑफ बड़ौदा नोटिस निकालता है तो वो नोटिस वापस क्यों कर लिया गया, मुझे ये समझने की आवश्यकता है। जब नोटिस निकाला आपने तो कार्रवाई करो ना आप। अगर आज के समय में आम जनता अगर लोन ले लेती है, अगर वो लोन सही टाइम पे नहीं चुका पाते हैं, ईएमआई नहीं दे पाते हैं, तो बैंक वाले आते हैं उनके मकान की कुर्की कर देते हैं और छोटे छोटे बच्चों की तरफ भी नहीं देखते और घर से बाहर कर देते हैं। मतलब बड़े लोगों की एक तरफ, मतलब ऐसा लग रहा है कि बड़े उद्योगपति लोगों के लिए कानून कुछ और हो गए और आम जनता के लिए जो कानून है वो कुछ और हो गए। तो सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा, समस्या है और सिस्टमेटिकली तरीके से लोग मर रहे हैं। उनका कर्जा माफ कर दिया, 56,000 करोड़ का जो कर्जा था उनका वो राइट ऑफ कर दिया। जो इस कर्जा मुक्त अभियान से जुड़े हुए उनको कितना रिलीफ मिल रहा है? इससे काफी रिलीफ मिल रहा है, उनके अधिकारों के बारे में जानकारी मिल रही है। मान लो अगर आपके पास कोई बैंक रिकवरी, उनको क्या क्या अधिकारों की जानकारी दे रही है ये अभियान? कर्जा मुक्ति अभियान के तहत लोग अपने अधिकारों को जान पा रहे हैं। देयर इज एवरी पर्सन दे हैव टू बी अंडरस्टैंड इज वेरी वेल ऑफ द अवर प्रिविलेजेस, बिकॉज विदाउट प्रिविलेज वी कैन सर्वाइव इज वेरी गुड लाइफ। दैट कर्जा मुक्ति अभियान मूवमेंट इज इंक्रीजिंग इज वेरी फास्ट एंटायर द कंट्री एंड वी आर रनिंग दिस कंट्री एंटायर द कंट्री। द गवर्नमेंट शुड बी अंडरस्टूड एंड वी विल ट्राई टू कन्विंस हिम ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज देयर गवर्नमेंट इज मेड बाय द पीपल। तो गवर्नमेंट जो होती है आम जनता के द्वारा ही बनाई जाती है। देखो इसमें हम क्या रिलीफ दे रहे हैं जी? जैसे मान लो कि आपने बैंक से लोन लिया, एक रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है, वो बदतमीजी से बात करेगा जी सर। अगर वो बदतमीजी से बात करता है तो हम उनको क्या बता रहे हैं? हम देखो ये नहीं कह रहे बैंक वालों से, आम जनता से, कि आप लोन की एमआई देना बंद कर दो जी सर। ऐसा हम किसी से कुछ नहीं कर रहे भाई। अगर आपके पास अगर आपका लगता है कि आप दे सकते हो तो दो। हम किसी भी पीपल से, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप किसी साहूकार का पैसा रोक के बैठे हो मत दो। अगर आपकी हिम्मत है तो दो, अगर आपकी एबिलिटी है तो दो, बैंक का पैसा दे सकते हो तो दो, है ना। मतलब आप खुद अपने अपनी तरफ से डिफॉल्टर आपको नहीं बनना है। ये अभियान तो उनके लिए चला जो इस एबिलिटी को नहीं उठा पा रहे हैं, उनके पास नहीं है तो उनके लिए खासतौर पे अभियान है। जिनके संसाधन खत्म हो गए, जिनकी नौकरी छूट गई, जिनका व्यापार आधा हो गया, जिनका आय कम हो गई है, ऐसे लोगों की जो कर्जे में फंस गए, ऐसे लोगों के लिए कर्जा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। और ये अभियान तेजी से पूरे देश में बढ़ रहा है। कोई ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई कस्बा नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां पर यह अभियान ना चल रहा हो। और हम जैसे मान लो कि रिकवरी एजेंट अगर आता है तो वो बदतमीजी से बात करता है, लोगों से दुर्व्यवहार करता है। और ऐसे पता नहीं कितने रिकवरी एजेंट हैं जो बदतमीजी से बात करते हैं और आम जनता को प्रेशराइज कर दिया जाता है बैंक की तरफ से और वो आत्महत्या कर लेते हैं जी। तो अगर ऐसे बैंक वालों से, ऐसे रिकवरी वालों से अगर आपको डील करनी है तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है? उनसे तीन तरह के डॉक्यूमेंट पूछने होते हैं। डीआरए का सर्टिफिकेट आम जनता का अधिकार है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको डीआरए का सर्टिफिकेट, जॉब अथॉरिटी लेटर और आइडेंटिटी कार्ड अगर आपको नहीं दिखलाता है तो आप उसकी पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। आप बैंक को भी, आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई 1934-1935 में हुई, क्योंकि वो हमें अधिकार देता है। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को समझना पड़ेगा जनता को। और जो आपके अधिकार है, डीआरए का सर्टिफिकेट, जॉब अथॉरिटी लेटर, आइडेंटिटी कार्ड, हर रिकवरी एजेंट से पूछो, चाहे वो किसी भी कंपनी से आए, चाहे वो एनबीएफसी से। आइडेंटिटी कार्ड 24 आवर्स उनके पास बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो नहीं दिखाते हैं, अगर वो ये डॉक्यूमेंट आपको शो नहीं करते, देयर इज एनी रिकवरी एजेंट, दे विल नॉट शो यू दिस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। दे आर डूइंग द सिचुएशन इज वेरी डीपली विद यू, बट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड योर राइट्स एंड यू विल फाइट देम इज वेरी इजिली। तो अगर वो आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखलाते हैं तो आप उनके ऊपर एक्शन इजिली ले सकते हो और उनकी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो कि बिना डॉक्यूमेंट के ये व्यक्ति हमारे घर पे रिकवरी करने आया है और मुझे नहीं पता नहीं चोर है, डाकू है, कौन है, इसके ऊपर कंप्लेंट होनी चाहिए, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और बैंक को भी इस कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि ऐसे रिकवरी एजेंट को आपने क्यों रखा जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, जॉब अथॉरिटी लेटर नहीं है और उसके पास दूसरे अन्य डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सरकार ऐसे रिकवरी वालों के ऊपर एक्शन होना चाहिए और हुआ भी है। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरीके से निशुल्क है। मैं अभी जनता के बीच में खड़ा हूँ, जनता से भी यही अपील करूंगा कि कोई भी आपको बरगलाने की बात करे या आपसे कोई पैसों की डिमांड कर दे, बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है किसी को भी। अभियान पूरी तरीके से निशुल्क है, इसमें लिखा ना निशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान, पूरा अभियान निशुल्क है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है।
एक रुपया क्या आपसे लिया गया है? नहीं लिया गया है, किसी से एक रुपया भी नहीं लिया गया है। पूरा अभियान निःशुल्क है और आम जनता इसलिए इसी मुहिम में जुड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक राह दिख रही है क्योंकि कर्ज के कारण मोटिवेशन किया जा रहा है उन्हें। जी मोटिवेशन किया जा रहा है उनको, मोटिवेट किया जा रहा है, उनको अवेयर किया जा रहा है। मैं इस दिल्ली लोकसभा से काम कर रहा हूँ, त्रिलोकपुरी विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं मुझे माँ की जिम्मेदारी दे रखी है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। कितना इंटरेस्ट है आप इस अभियान से जुड़कर? बहुत सही है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले डिप्रेशन में रहा करते थे तो अब थोड़ा राहत फील हो रही है। कितना कर्जा है वैसे आप पर? कम से कम 20 लाख रुपया कर्जा है। कितना? 20 लाख। क्या करते हो इतना पैसा कर्जा लेकर? सबसे पहले गवर्नमेंट के आगे ऐसे इन दलालों को काम कर पाए, बैंकों में दलाली करते हैं। आपने कर्जा जो लिया था किसी प्रॉपर्टीज में लिया था? क्या करते हैं? किसी प्रॉपर्टीज में कर्जा लिया था आपने? प्रॉपर्टी आई गई हमारी, सरकार ने कर्जा ऐसे दे दिया। एमसीडी के नौकर हैं सर। आपको क्या लगता है ये कर्जा मुक्त अभियान जो है पब्लिक को कितनी राहत दे रही है? सर पब्लिक को बहुत राहत दे रहा है और जो उनकी हिम्मत टूट चुकी थी उस हिम्मत को बांधने का काम कर रहा है। आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं इसमें? मैं पिछले 8 महीने से जुड़ा हूँ और लेकिन मानिए कि मुझे भी बहुत हिम्मत मिली इनसे, नहीं तो मैं अपनी हिम्मत सारी खो चुका था बहुत बार। तो मुझे कितना कर्जा था आप पर? मेरे पास लगभग 8 लाख रुपए कर्जा है मेरे ऊपर और मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और इन्होंने मुझे बहुत ये अभियान जो है कर्जा मुक्त करने के लिए एक फाइट करवा रहा है सरकार पूरे देश में। मैं कहता हूँ पूरे देश में सभी लोगों को इससे जुड़ना चाहिए, जो परेशान है, जो पीड़ित है। हमारे बहुत सारे साथी जो है पूरे देश में जो जिनको अभी पता नहीं है इनके बारे में, मैं चाहता हूँ हर गाँव गाँव घर सब होता रहना चाहिए ताकि ज्यादा लोग इकट्ठे हों और सरकार उनकी बात सुने। मैं बता रहा हूँ कि सरकार सिर्फ यही चाहती है कि देश के लोग गरीब रहें और इनको बहुत ज्यादा कर्जे में डालते हैं गरीब। इस अभियान से सुनने के बाद आपको अच्छा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। आपको लगता है जो कर्जे में डूबे हुए हैं, जो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उन्हें मरने की कतार लगती है, तो उन्हें इससे जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? मैं तो सभी से प्रार्थना करता हूँ जोर से बोली सर, कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़े और इससे मेरे को राहत मिली है और मैं राजस्थान से आया हूँ। मतलब ये अच्छा अभियान चल रहा है लोगों के लिए, गरीब गरीब पर्सन के लिए बहुत अच्छा अभियान चल रहा है। गलत कदम उठा रहे हैं उनके लिए ये रिश्वत है, गलत कदम ना उठाए और ये लोगों के लिए बहुत बड़े की बात है। लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो अभी इससे राहत मिल रही है। अच्छा।